हेलो एवरीवन, मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ 1516 में सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये रही आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग। वीकली रीडिंग करने से पहले दो बातें बता दूँ कि अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर डेली बेसिस पे पोस्ट करती हूँ। और ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ी सी चेक कर लेना, मैंने वहाँ पर अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो वहाँ से। ओके, तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप ये जो रीडिंग देखेंगे ये आपके सन, मून, वीनस एंड राइजिंग साइन में देख सकते हो। ओके, मैं बता दूँ, एंड जिन लोगों ने भी मुझे पूछा था एंड पूछ रहे हो कि मैं टैरो सेशन देती हूँ कि नहीं, तो नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ, मैं टैरो सेशन नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग देती हूँ। आपको बता दूँ कि कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। मैं कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालूंगी, टैरो चेक करूंगी एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है, ऐसे करने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि ये आने वाला वीक है। कुछ लोग अभी के एनर्जी को पिक कर लेते हैं और सोच लेते हैं नहीं, हमारे साथ नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपके इस वीक के लिए मैंने नहीं निकाल रही हूँ, अभी के एनर्जी आपकी जो भी है, मैं आगे वाले जो वीक है, आने वाली है, उसके लिए मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, ठीक है। सो वही सोच के ये रीडिंग देखिए। हेलो एक्वेरियस, तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या आती है, आपको क्या जानने को मिलता है। फॉर माई एक्वा पीपल, क्या जानने को हमें मिलता है। ओके, वन मोर टाइम, थैंक यू फॉर एक्वेरियस। इस ये वीक कैसे जाने वाली है स्पिरिट्स। एस ऑफ वंड्स, ओके वाओ। सेवन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वंड्स, ओके एंड लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो फाइनली आपकी वेट ओवर हो रही है एक्वा पीपल। अगर ओके बोलने से पहले मैं एक बात बता दूं, देखो मैसेज हर वक्त ये मत करना वेट ही कर रही हूँ, वेट ही कर रही हूँ। देखो अगर डेस्परेटली वेट करोगे ना तो कभी कुछ नहीं मिलने वाली, ये तो सबसे पहले समझ लो, क्योंकि यूनिवर्सल ये लॉ है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और वेट करोगे कब होगा कब होगा कब होगा, तो वो चीज़ नहीं होगा। जब सरेंडर करोगे ना, जब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दोगे कि मुझे बताएं कि आप मेरे लाइफ में जो भी करोगे वो अच्छे के लिए करोगे और मैं आपके ऊपर सारे कुछ छोड़ती हूँ यूनिवर्स, ऐसा अगर बोल के चीज़ों को सरेंडर कर दोगे, और तब एक वेटिंग एनर्जी अलग है, वो वेटिंग एनर्जी अलग है क्योंकि तब आप सरेंडर कर रहे हो। और जब फ्रस्ट्रेशन में आप आ रहे हो और वेट कर रहे हो कब होगा कब होगा कब होगा, आपकी हर रीडिंग में आ रही है कि आपका ये काम होने वाला है बट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मुझे लगा ये मैं आपको बता दूँ। अभी आती हूँ कि आपकी इस वीक में क्या आने वाली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जिसके लिए भी वेट कर रहे थे, आप जिस भी काम के लिए इतने टाइम तक वेट कर रहे थे, होल्ड बैक कर रहे थे खुद को, ये आपके इमोशंस हो सकती हैं, आपके फाइनेंस हो सकती है, आपके करियर हो सकते हैं, या फिर कुछ न्यू स्टार्ट। एस ऑफ वंड सबसे पहले है, तो मैं बता दूँ कि कुछ न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आ रही है, जिसके प्रति आप बहुत पैशनेट थे। कोई ऑफर लेकर आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स है, जिसकी वेट आप कर रहे थे, ओके एंड खुद को होल्ड बैक करके बैठे हुए थे इतने टाइम तक, नहीं कुछ नहीं बोलूँगी, देख लेती हूँ कि कब होता है। तो ऐसे वाली एनर्जी में थे तो आपके लिए बता दूँ कि हाँ हाँ भैया, अगर कोई होल्ड बैक करके बैठे हुए थे तो वो अभी आ रहे हैं नाइट ऑफ कप्स लेके आपके तरफ, ठीक है, एक ऑफर लेके आ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी परेशान हो और बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रहे थे, पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर भी मुझे यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है, कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपको आता हुआ दिखे, ओके करियर पर या फिर फाइनेंस पे, अगर आपकी पैसा अच्छा नहीं जा रहा था तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो मैं बता दूँ कि यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल है, तो शायद आप अपनी इमोशंस को थोड़ी सी छुपा सकते हो इस वीक में, एंड इमोशंस को दबा सकते हो, सेविंग्स ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी कंजूसी कर सकते हो
ये मुझे एक दिख रहा है इस वीक के लिए। ओके तो अच्छी बात है, कोरोना है तो इस वक्त सेविंग्स करो, अच्छी बात है। देख लेते हैं कि गाइडेंस के तौर पे स्पिरिट्स आपको क्या बताती हैं। फॉर माय एक्वा पीपल दिस वन हीलिंग, ओके हीलिंग करो। मैंने सबसे पहले ही कह दिया था कि आपको चक्र हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन करो। कि मैंने कह दिया कि अभी वो आ रही है, बस उसका वेट करते, हमेशा सोचो सोचो सोचो, हर वक्त सोचने लगो, और जाके जब नहीं होगा तो तब मुझे कोसोगे कि जुई ने कहा था बट नहीं हुआ है तो चलो उसको कोसते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको वेट करनी है। कैसे? मैंने कहा यह कि सरेंडर करो, सरेंडर करके वेट करो, हीलिंग करो, अपने मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दो। कुछ लोग मेरी सुनते हैं और सच में वो रिजल्ट पाते हैं, वो मैसेज करते हैं कि हाँ मैम हुआ है, मुझे मेल्स आती है तब बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग सुनते हैं। थंडर बोल्ड, ओके फ्रस्ट्रेशन, ये देखो ये थंडर बोल्ट भाई बताती है, अगर फ्रस्ट्रेशन में रहोगे ना तो पैसा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ऐसे ही बोल देती हूँ क्योंकि मैं स्वीट टॉक्स नहीं करती हूँ, आपको पता ही है, तो वैसा ही है। द क्रिएटर जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, क्रिएटर वही बता रही है। और क्या आपको क्लैरिटी चाहिए? यहाँ पर स्पिरिट्स इतना क्लैरिटी दे रही है। फाइटिंग, ओके ओके किसी से फाइटिंग से थोड़ी सी बची है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट से बची है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आर्ग्यूमेंट से थोड़ी सी बचने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए। गिव मी जस्ट वन मोर कार्ड स्पिरिट्स प्लीज, दिस वन, ओके। सौरो, देखिए आपकी हालत देखिए, खुद ब खुद देख लीजिए, वेटिंग वेट करोगे ना तो ऐसी हालत होगी, देख लो, मैं पहले ही बता दूँ, उसके बाद मुझे मत कोसना तो यहाँ पर या मुझे आपको वही बतानी है कि अगर आप वेट करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, तो यहाँ पर आपको सौरो के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर आप सरेंडर करते हो द क्रिएटर, अगर हीलिंग करते हो, अगर आप सेंडर करते हो, तो ये कप आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, ये ऑफर आपको मिलने वाली है भैया, ये ऑफर कहीं जाने नहीं वाली है, आपको ही मिलने वाली है, ठीक है, लिख लो ऐसा। अगर सेंडर करके देखो उसके बाद मुझे बोलना, क्योंकि एक पैशन के साथ एक जो न्यू स्टार्ट है वो आता हुआ दिख रहा है, एंड उसके लिए आप बहुत डेस्परेट हो, आई नो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट आपको सरेंडर के लिए भी बोला जा रहा है। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस में स्पिरिट्स आपको डायरेक्टली क्या बोलती हैं। चार मैसेजेस मुझे चाहिए, ओके ओके एंड थैंक यू स्पिरिट्स। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है फैमिली, तो फैमिली को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, फाइनेंस को लेकर परेशानी हो सकती है, फैमिली में झगड़ा कलेश से थोड़ी सी दूर रहो अगर फैमिली के साथ कर रहे हो, क्योंकि अगर करोगे उसके बाद सौरों में चले जाओगे, ठीक है, खुद ही परेशान हो जाओगे। तो आप हीलिंग करो, एक्सपीरियंस, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है या फिर बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो इस वक्त पे कहीं ना कहीं, उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। आई एम सॉरी, तो किसी के साथ अगर गलत कर रहे हो तो उनको जाके सॉरी बोल सकते हो, या फिर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो आपको आके सॉरी बोल सकता है, ठीक है। और सॉरी से मुझे लग रहा है कि अगर किसी से फाइट करते हो और बाद में जाके आप पछताओगे, तो ये वाली फील हो रही है, ठीक है। और फैमिली से तो आर्ग्यू बिल्कुल मत करो, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको कहा जा रहा है, देखो डायरेक्टली कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी सी ओवर थिंकिंग से बचनी है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तो ओवर थिंकिंग से बचनी है और फ्रस्ट्रेशन से बचनी है, आपको सिर्फ सरेंडर करनी है इस ये वीक के लिए। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि जो जो इंसान सरेंडर करेगा वो इंसान देख पाएगा ये कब आता हुआ, वो ऑफर आता हुआ। और अगर आप सरेंडर नहीं करते हो और अगर आप सिर्फ वेट ही कर रहे हो और डेस्परेटली वेट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सौरों के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्रिएटर के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर करो और बोलो आप जो करोगे मेरे अच्छे के लिए करोगे और मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और बस आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ। और शांत होके बैठ जाओ, शांत होके आप मेडिटेशन करो, उनका नाम लो, जब भी आप रीडिंग्स देखो या फिर जो भी देखो शांति से देखो, दिमाग को शांत करो और देखो कैसे चीज़ें आपकी तरफ खींचा हुआ आती है। आप अगर परेशान रहोगे तो चीज़ें आपसे भागेगी, और अगर आप हैप्पी रहोगे, अगर आप शांत रहोगे, तो चीज़ें आपकी तरफ खींचा चले आएगी, यही यूनिवर्सल रूल है, ओके। सो ये थी आपके लिए, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, मिले तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।